2005 के बलदियाती इंतखाबात में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से मुस्तफ़ा कमाल को नाजिम के ओहदे के लिए नामजद किया गया तो शायद उस वक्त उनको उनके घर वालों के सिवा कोई पहचानता भी ना हो, लेकिन अपने हमनाम मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के इनकलाबी अंदाज में उन्होंने सिर्फ 4 साल के मुख्तसर अरसे में कराची शहर की काया ही पलट के रख दी। The million and billions of dollars which had gone on the name of people of Pakistan has never reached to the people of Pakistan. और आज वो ना सिर्फ कराची बल्कि पूरे मुल्क में अपनी मुनफरिद पहचान रखते हैं। ओहदा संभालने की देर थी कि मुस्तफा कमाल औजार और मजदूरों के साथ सड़कों पर निकल खड़े हुए। 3 दिन के बचे हों या रात के, मुस्तफा कमाल अपनी निगरानी में तामीराती काम कराते नजर आते। एक वक्त ऐसा भी आया कि ट्रैफिक जाम से तंग आए अवाम ने मुस्तफा कमाल का नाम मुस्तफा खुदाल रख छोड़ा। तमाम तर तनकीद के बावजूद मुस्तफा कमाल पीछे नहीं हटे और सिर्फ 1 साल के बाद ही तमाम तर कौमियतों से बालातर होकर कराची के शहरी मुस्तफा कमाल के नाम की माला जप रहे थे। मुस्तफा कमाल के कारनामों की बदौलत 2008 में उन्हें दुनिया के दूसरे बेहतरीन मेयर का एजाज हासिल हुआ। 20,000 रुपए एक दिन का खर्चा है, पता तुम आईसीयू का? मुस्तफा कमाल के अंदाजी बरहमी की शोहरत भी चारों ओर है, लेकिन इस सब के बावजूद मुस्तफा कमाल की खिदमात को अपनी और पराए सब ही तस्लीम करते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने मुस्तफा कमाल को इन अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया था, कराची जाकर देखो नौजवान मुस्तफा कमाल ने जबरदस्त काम किया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे साथ आज कौन शख्सियत मौजूद हैं ये तो आप जान ही चुके हैं। बात दरअसल ये है कि अगर हम जब बात करते हैं पाकिस्तान की तो पाकिस्तान में सियासत और उसके साथ साथ कॉफ़ी सारा साल ही चलती रहती है, और अगर कॉफ़ी पी जाए किसी सियासी शख्सियत के साथ बैठकर तो उसका मज़ा ही दुबाला हो जाता है। हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। कैसा लग रहा है आज आपको कॉफ़ी पे इनवाइट हुए? वेल थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। कुछ डिफरेंट लग रहा है, मतलब यूजुअली आप लोग जाते हैं ना टॉक शोज में और तैयारी शैयारी करके। हाँ वो तो पता चलेगा भी आगे शो में क्या करती हैं, बट इट्स फील गुड। या अच्छा, तो हम बहुत से लोग आपको डेफिनेटली बीइंग अ मेयर तो जानते ही हैं और आपकी शख्सियत से भी काफ़ी ज़्यादा वाकिफ़ है, लेकिन समटाइम्स ये होता है कि लोग जिनको चाहते हैं और जिनको काफ़ी ज़्यादा प्रेज करते हैं उनके बारे में भी कुछ जानना चाहते हैं। कुछ शेयर करेंगे अपनी, कुछ किस तरह से आप अपना करियर किस तरह